नेक्स्ट uh, क्वेश्चन uh, 2015 के नीट के एग्जाम का सवाल है वेक्टर्स और टू डी मोशन दोनों इसमें इस्तेमाल होंगे और एट द सेम टाइम थोड़ा लंबा सवाल है ठीक है सवाल की टेक्स्ट बहुत लंबा है सो uh, इसको आराम से हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन right? है द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू फोर साइन टू पाई टी आई कैप प्लस फोर कॉस टू पाई टी जे कैप

एक्सेलेशन वैक्टर इज अलोंग माइनस आर वैक्टर चौथा ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन वैक्टर इज वी स्क्वायर बाई आर वेयर वी इज वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल नाउ पहले तो जो अपने को इक्वेशन दिखी हुई है इस, uh, अपने जो इक्वेशन दी हुई है इसको लिखते हैं सो so, अपने को इक्वेशन दिया हुआ है कि आर वैक्टर दैट इज इक्वल टू फोर साइन टू पाई टी फोर साइन ऑफ टू पाई टी आई कैप प्लस फोर कॉस टू पाई टी जे कैफ ये अपने को ये इसके बाद हमें बताना है वेलोसिटी एक्सोलेशन पर कमेंट करना है डायरेक्शन बतानी है और इंटरेस्टिंगली पार्ट ये ध्यान रखना हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे राइट ना इसको अगर हम इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री वाले मेथड से करें सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर साइन ऑफ टू पाई टी और वाई इज इक्वल टू फोर कॉस ऑफ टू पार्टी यह आपके एक्स और वाई हैं नाउ इन दोनों को अगर आपकी इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है इन दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें विच मीन्स वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ एक मिनट में, में अगर इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें सो देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टू पार्टी प्लस कॉ स्क्वायर टू पाई टी और हमें पता है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा वन होता है सो दिस टेल्स अस कि अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू सिक्सटीन ये अपनी इक्वेशन हो गई और ऑफ कोर्स ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को जिसका रेडियस होएगा फोर मीटर सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सर्कल का रेडियस फोर आ गया नाउ जब भी ये अपने सर्कल की बात होएगी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जब भी पार्टिकल यहाँ पे है यह आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होएगा। और एक्सेलेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जिससे हमें पता चला कि आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट होएगा बिकॉज एक्सेलेशन की डायरेक्शन आपकी या आपका अगर आर वैक्टर है तो एक्सेलेशन की डायरेक्शन माइनस साइन पर आएगी माइनस आर कैप होएगी सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सी और डी सही है नाउ लेट्स चेक एंड वेरीफाई कि ऑप्शन नंबर एक गलत है क्या हालांकि उस केस में हमें चेक और वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या होगी नाउ वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक बार सो so, वेलोसिटी के लिए हम कहेंगे वी एक्स विल बी इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी एट इसको ऐसे लिखते हैं फोर मल्टीप्लाइड बाई टू पाए साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टू पाई टी आई कैप अच्छा ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई वाई uh, डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी फोर मल्टीप्लाइड में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस साइन टू पाए साइन ऑफ टू पाई टी नाउ इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है सो so, अच्छा इसको पहले एक्सपैंड करके लिख लेते हैं सो दिस विल बी एट पाए कॉस ऑफ टू पाए टी एंड दिस विल बी माइनस एट पाए साइन ऑफ टू पाई टी हाला हाँ लाइन सो अगर हमें इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए सो so, हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर सो so, इन दोनों का स्क्वायर करके इट विल बी एट पाई का स्क्वायर इसको हम बाहर निकाल सकते हैं विल बी अंडर रूट ऑफ कॉ स्क्वायर थीटा को स्क्वायर टू पाई टी प्लस साइंस स्क्वायर टू पाई टी Uh, इसको ऐड करके वन बन जाएगा सो so, आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया एट पाई मीटर पर सेकेंड राइट डाओ विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड हेंस इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम